बहुत वर्षों से आप चाय जनजाति के एक छात्र नेता रहे हैं, अभी देखा जा रहा है कि आशा और आठसा के बीच एक आपसी मतभेद चल रहा है, तो इसको लेकर आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? पहली बात है कि आप लोगों को मालूम है आठसा जो है वो भारत स्वाधीन होने के 2-3 महीने के बाद ही 1947 में आठसा का जन्म हुआ था। संतोष कुमार स्वप्नो और साइमन सिंह होरो जिन्हें इस आठसा की प्रतिष्ठा की थी, और एक पुरानी संगठन है और आशा तो बाद में अब जन्म लिए हैं। लेकिन मैं दोनों संगठन से कहना चाहता हूं कि एक हम लोग जो जनगोष्ठी हम लोग जो कहते हैं चाय जनगोष्ठी आदिवासी जनगोष्ठी, तो बीच में कोई टकराव ना हो और जो भी बात कहें समाज के हित के लिए बात कहें, ऐसी बात ना कहें कि समाज के हित में ना हो और विभाजन अपनी समाज की विभाजन हो, ऐसी बात कभी ना कहे। ये मैं दोनों संगठन से मैं अनुरोध करता हूँ। और ये जो जनगोष्ठी है अनेक समस्या है, उस समस्या के बारे में चिंता करें और उस समस्या कैसे समाधान हो उसके बारे में चिंता करें, लेकिन समाज में ऐसी बात ना कहे जी कि समाज और बिगड़ जाए। पहली बात है कि आप लोगों को मालूम है आठसा जो है वो भारत स्वाधीन होने के 2-3 महीने के बाद ही 1947 में आठसा का जन्म हुआ था। संतोष कुमार स्वप्नो और साइमन सिंह होरो जिन्हें इस आठसा की प्रतिष्ठा की थी, और एक पुरानी संगठन है और आशा तो बाद में अब जन्म लिए हैं। लेकिन मैं दोनों संगठन से कहना चाहता हूं कि एक हम लोग जो जनगोष्ठी हम लोग जो कहते हैं चाय जनगोष्ठी आदिवासी जनगोष्ठी, तो बीच में कोई टकराव ना हो और जो भी बात कहें समाज के हित के लिए बात कहें, ऐसी बात ना कहें कि समाज के हित में ना हो और विभाजन अपनी समाज की विभाजन हो, ऐसी बात कभी ना कहें। ये मैं दोनों संगठन से मैं अनुरोध करता हूँ। और ये जो जनगोष्ठी है अनेक समस्या है, उस समस्या के बारे में चिंता करें और उस समस्या कैसे समाधान हो उसके बारे में चिंता करें, लेकिन समाज में ऐसी बात ना कहें जी कि समाज और बिगड़ जाए। पहली बात है कि आप लोगों को मालूम है आठसा जो है वो भारत स्वाधीन होने के 2-3 महीने के बाद ही 1947 में आठसा का जन्म हुआ था। संतोष कुमार स्वप्नो और साइमन सिंह होरो जिन्हें इस आठसा की प्रतिष्ठा की थी, और एक पुरानी संगठन है और आशा तो बाद में अब जन्म लिए हैं। लेकिन मैं दोनों संगठन से कहना चाहता हूं कि एक हम लोग जो जनगोष्ठी हम लोग जो कहते हैं चाय जनगोष्ठी आदिवासी जनगोष्ठी, तो बीच में कोई टकराव ना हो और जो भी बात कहें समाज के हित के लिए बात कहें, ऐसी बात ना कहें कि समाज के हित में ना हो और विभाजन अपनी समाज की विभाजन हो, ऐसी बात कभी ना कहे। ये मैं दोनों संगठन से मैं अनुरोध करता हूँ। और ये जो जनगोष्ठी है अनेक समस्या है, उस समस्या के बारे में चिंता करें और उस समस्या कैसे समाधान हो उसके बारे में चिंता करें, लेकिन समाज में ऐसी बात ना कहे जी कि समाज और बिगड़ जाए।